all are doing great. So welcome back to those who are already a member of my YouTube family, and very warm welcome to those who are watching very first time my video. Yes, actually I was quite busy, so I didn't upload any video since long. So almost a month has passed, but now I'm back. So now I'm going to show you what I'm क्या, जैसा कि आपको पता है शादियां शुरू हो गई है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मैं इसी से रिलेटेड मैं लेकर के आई हूँ बनारसी लहंगा, जो आज मेरे ख्याल से सबको ही अच्छे लगते हैं. ठीक है, और मैंने कुछ बहुत ही अच्छे से पीस पिक करे हैं और मैं अभी आपको सब उसकी दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, उसकी क्वालिटी भी दिखाऊंगी और बाद में ट्राई ऑन भी दिखाऊंगी मैं आपको उसका. ठीक है, तो आपको करना क्या है, उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना, एंड लाइक करना वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, और यू कैन कॉमेंट मी ब्लो इट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये है वो सारे लहंगा. ठीक है, आपको लहंगास इसमें आपको येलो देखो, दो कॉमन येलो हो गए हैं और दो ब्लू भी इसमें मिक्स हैं. क्या मुझे वही पसंद आए थे, ब्लू में दिखाते हैं आपको, क्योंकि अच्छे वो बहुत लगे थे. कलर इसमें ना, इन लहंगे में बहुत सारे कलर्स थे, पिंक पीच, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे. पर क्या ना कि इतने लहंगे लेके मैं करूँगी क्या, तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा बाय नहीं करे थे. ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले तो ये वाला दिखाती हूँ, आपको रेंज भी बताती हूँ उसकी. सबसे बेस्ट चीज़ क्या है यार, रेंज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत सही मिल गया है. पता है इस जो लहंगे की कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट थी 750. ठीक है, ओनली 750 रुपीज ओनली. ठीक है, और दुपट्टा की काटो बेटा ऊपर. ठीक है, इसकी जो था ये देखो, इसमें मिरर वर्क है और ये प्रॉपर मिरर है. ये वो एक होता है ना जो आपका फेक होता है, प्रॉपर मिरर नहीं होता, बस वो हल्का सा आप समझ रहे हो ना कुछ, मतलब होता है वो वर्क. ठीक है, प्रॉपर मिरर वर्क है. ठीक है, बट एक एक चीज मैं इसमें बता देती हूँ, जो ये है इसको स्टिक कर रखा है ग्लू वगैरह से. ठीक है, इसको थ्रेड से नहीं फिक्स किया है, तो ये मे बी सिंगल वॉश में निकल जाए, तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखना होगा कि ये निकल भी सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज ये अच्छा है, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक दो बार पहनने के बाद इसको वॉश करोगे, फर्स्ट टाइम में तो कोई भी वॉश नहीं करता इतना. इसका नेक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टिच्ड है, रेडीमेड है, आपको इसको बनवाने की जरूरत ही, बस फिटिंग करानी है, क्योंकि फिटिंग कर, और उसमें स्लीव्स भी हैं, इसमें स्लीव्स भी दी हुई है. ठीक है, अंदर मेगा स्लीव्स वगैरह, मेगा स्लीव्स ही है, तो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो. और काफी अच्छा सा ब्लाउज है ये, इसका फिनिशिंग भी काफी अच्छी है, बस ये कि आपको उसका ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने हिसाब से फिटिंग, क्योंकि इनका तो साइज फुल ही रहता है. ठीक है, जो भी होता है इनका वो आप करवा लेना, और सही भी है कि आराम से हो बैठेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन सिलवाने की होती है. लहंगा तो आप कपड़ा ऐसे ही बाय कर लो, बट सिलवाने का सबसे ज्यादा झंझट होता है. तो ये ऑलरेडी पूरा बना बनाया ही है, बस एक आपको साइज से इसको तीनों लहंगों में यही है, हल्का सा ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं. ये देखो, ये भी ये है आपका साइड से सेमी स्टिच है, साइड से ओपन है, यहाँ से करना है, और नीचे इसके प्रॉपर कैन वगैरह जो भी होती है. ये देखो यार, 750 में मतलब और क्या चाहिए यार, कैन लोगे वही 100-150 तक का, मेरे ख्याल से मुझे इतना तो आता ही होगा, है ना. फिर लाइनिंग और फिर ये स्टफ, फिर स्टिचिंग, बहुत सही है और आराम से पहना जा सकते हैं. और बाद में आप इसको लहंगे से, अगर होता है ना कि लहंगा पहन लिया एक दो बार, फिर मन नहीं कर रहा है उसको पहनने का, और कैसे पहने, तो बाद में पता है आप इसको अटैच करके इसका एक कुर्ती या गाउन जैसा भी बना सकते हो, कि यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करवा सकते हो टेलर से. ऐसे ही है ना लहंगा, ये इसको ऐसे अटैच करा सकते हो, तो ये आपका ऐसा गाउन जैसा भी बन जाएगा, गाउन टाइप का. और ये है इसका दुपट्टा, ठीक है, रेड बनारसी दुपट्टे. यार 150-200 तो मैं कमी बोल रही हूँ, कितना ज्यादा अच्छा खासा लेंथ भी है और इसकी विड्थ भी है. ठीक है, लेंथ मैंने अभी पूरा नहीं ओपन करा है. ठीक है, ये पूरा ऐसे है, अच्छी खासी लेंथ है, काफी लंबा है ये, 2.25 मीटर के अराउंड ही है, और इसकी विड्थ भी देखो अच्छी खासी है. ठीक है, दुपट्टे सबसे प्लस पॉइंट होते हैं बनारसी दुपट्टे का, कि आप इसको किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो, सूट्स वगैरह के साथ भी इसको आराम से डाल सकते हो. तो दुपट्टा तो नो डाउट, दुपट्टा भी लहंगा भी सब कुछ एकदम मस्त है, बस आपको हल्का सा इसको फिटिंग करवाना पड़ेगा, ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो तो इतना तो पेन लेना ही पड़ेगा. ठीक है, और 750 ये है वाइट. एंड देखो, सबसे पहले इसका मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ. ये है इसका ब्लाउज, ये मैं आपको पहले इसकी कॉस्ट बता देती हूँ. ये मैंने लिया है 950 का. ठीक है, 950 रुपीज़, 950 या 930 जो भी है, मैं स्क्रीन पे इसको डाल दूंगी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ था. और ये है इसका ब्लाउज. ठीक है, ये भी आपका
स्टिच्ड है, आपको ऑल्ट्रेशन कराना है। इसमें पीछे यहाँ पे जिप है, ठीक है, और बैक साइड में जिप है, और इसमें जो आगे है ये पूरा अच्छे से फिक्स कर रखे हैं, ये जो मोती है इसमें पूरा, हाँ इसको थ्रेड से फिक्स किया हुआ है, स्टिक नहीं है, प्रॉपर फिक्स्ड है ये नहीं जाएंगे किसी भी वॉश में, ठीक है। और आप इसको इसका एज अ ब्लाउज भी यूज करते हो, बाद में इसको आप इसको एज अ क्रॉप टॉप भी यूज कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये, और साथ में इसके ये है लहंगा, ठीक है। अब इनकी फिटिंग किसी की भी नहीं हुई है तो मैं आपको ट्राई करके दिखा दूंगी, बट मुझे ऐसे ही थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा सिट पेन वगैरह से, तो प्रॉपर फिटिंग में भी समझ में ना आए। तो ये है लहंगा, व्हाइट ऑफ व्हाइट है, ठीक है। बॉर्डर देखो नीचे कितना सही है ना, और सेम चीज नीचे इसके, ये देखो प्रॉपर। और पता है मुझे लगा था कि फ्लेयर कम होगा, फिर होता है ना कि इतने कम रेट में इतनी अच्छी चीजें, थोड़ा सा फ्लेयर कम हो गया, वैसा होगा। फ्लेयर भी इसका अच्छा खासा है, ठीक है। फ्लेयर में आपको देखो ना ऐसे करके, मैंने अभी दोनों साइड से इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, अच्छा खासा फ्लेयर है इसका, ये है। और साथ में इसका ये ब्लाउज मैंने दिखाया, एंड दुपट्टा वही फुल लेंथ है इसका, अच्छा खासा है, अच्छा खासा का मेरा मतलब होता है कि अच्छा खासा मतलब ही लेंथ जिस मतलब प्रॉपर जितनी होनी चाहिए ना ये उतना ही है। तो जब मैं अच्छा खासा बोलूँ आप समझ जाना इसका मतलब है कि परफेक्ट दुपट्टा, ठीक है। तो ये है इसका दुपट्टा, और स्टफ बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा स्टफ है। और देखो नीचे कितना सुंदर सा ये ब्रॉड सा बॉर्डर है, यहाँ पे ना पूरा एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पे थोड़ा हैवी एम्ब्रॉयडरी है, डेंस है थोड़ा, ऊपर थोड़ा सा दूर दूर है, बट बहुत प्यारा लग रहा है ये, कितना लुक बहुत अच्छा है। आप साथ में ना वो मैं कह रही हूँ बाद में दुपट्टा आप इसका यूज कर सकते हो, बाद में आप चाहो तो उसको गाउन भी बनवा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि एक बार पहन लोगे आपको खुद को लगेगा यार मेरे पैसे वसूल हो गए, बहुत ही सही है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, बिल्कुल खड़ा खड़ा टाइप में नहीं रहेगा कि जो होता है ना कुछ ज्यादा ही, और अच्छा खासा है मतलब काफी सॉफ्ट है इसका स्टफ। और ये ब्लाउज और साथ में लहंगा आपको 950 में, यहाँ सीरियसली मुझे तो लगता है कि बहुत ही सही डील है ये, क्योंकि मुझे लोकल मार्केट का जैसे वैसे जाऊँ तो मुझे पता है कि इतने सस्ते में ये चीज़ नहीं मिल पाती। तो थैंक्स मीशो, आप मतलब सच्चे में मीशो पे ये चीज़ मैं बोलूँगी कि लहंगा साड़ी आप बिंदास बाय करो, या वहाँ पर बहुत ही सही चीज़ बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है। सबसे अच्छा है कि रिटर्न उसका आराम से यहाँ रिटर्न भी जाता है, यहाँ पे कुछ ये कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है जो मैं इसको मीशो का ऐड कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मीशो की जो भी चीज़ें मैंने अब तक बाय करी है, लहंगा या लहंगा हो गया मतलब जैसे भी लहंगे हो गए ये वाले, एक तो साड़ी भी देखी है, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन हाँ मुझे टॉप और टॉप वगैरह में मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है मीशो के साथ में, तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी और लहंगा और इन सब के लिए परफेक्ट है ये साड़ी वाड़ी के लिए, तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये है इसका ब्लाउज, ये भी बहुत ही प्यारा लहंगा है, ये इसका ब्लाउज, ये बैक है, बैक में है ये डोरी, ठीक है, बैक ये बैक है, डोरी है बैक में, और हुक्स भी हैं, हुक्स है कि जिप है, आई थिंक हुक्स है, ठीक है। और ये है इसका फ्रंट, ठीक है, ये है इसका ब्लाउज, कितना प्यारा ब्लाउज है ना। और इसकी कॉस्ट पता है कितना है, ये थोड़ा महंगा है, इन दोनों से काफ़ी महंगा आया है, ये आया है 1000 का, ठीक है, तो बहुत महंगा है ये 1000 का लहंगा, ठीक है। तो ये है इसका दुपट्टा, इसमें बनी हुई है शहनाई, ये देखो बनी है ना शहनाई, सबसे अच्छा है। इसको आप लोग बाय कर सकते हो, अगर कोई न्यूली मैरिड है वो भी बाय कर सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शंस में पहनने के लिए, घर में कोई एंगेजमेंट है देवर की, किसी की तो वो डाल सकती है अपने छोटे मोटे फंक्शंस में, लाइट सा साड़ी पहनने का मन नहीं है तो थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा, अच्छा है। मीशो पर देख सकते हो कलर्स काफ़ी सारे हैं वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा है ये, नो डाउट। और देखो लहंगा कितना प्यारा है, इसका इस लहंगे का स्टफ भी बहुत अच्छा है, इन सबके स्टफ अलग अलग हैं और सबके अच्छे हैं, बट इसका बहुत ही सही स्टफ है यार, बहुत बहुत सही है इसका स्टफ, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है ना देखो कितना प्यारा लग रहा है है आपको बस हल्का सा फिटिंग करानी है साइड से, ऑल्ट्रेशन तो खैर कोई भी कर देगा, कोई नहीं मतलब कि टेलर ही करेगा, अपने आप मत करने बैठ जाना खराब हो जाएगा, आता है तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वही कैन वगैरह जो होता है प्रॉपर लगाया हुआ है, अच्छा खासा फ्लेयर है इसका,
मैं बता देती हूँ कितना मीटर है इसका जो मेजरमेंट रहता है, जो मम्मा वगैरह देखते हैं ऐसे करके वो मेजर करते हैं, वन यानी कि टू हो गया वो, है ना। उसका थ्री है, थ्री के अराउंड है, 3 मीटर इसका फ्लेयर है, ठीक है, 3 मीटर फ्लेयर है इसका। तो ये है लहंगा। चलो अब हम क्या करते हैं, हमें करता है इसको लहंगा हो गया, और पीछे से आवाज़ आ रही होगी मम्मा भाभी की, तो इग्नोर कर देना, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये है प्यारे प्यारे से लहंगे, अभी मैं ट्राई करके दिखाती हूँ, लास्ट में आ जाएगा आपका ट्राई ऑन देख के जाना। तो अभी मैं अपनी वीडियोस फ्रिक्वेंटली अपलोड करूंगी, अभी मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी, ठीक है। अभी काफी टाइम हो गया था, बीच में थोड़ा सा बिजी थी, नहीं कर पाई थी, बट अभी मैं वापस आ गई हूँ तो करूंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड बस दैट्स इट, ठीक है। तो चलो ट्राई ऑन देख लेना, बाय बाय, टेक केयर, बाय।